समस्तीपुर जिले के मोहनपुर प्रखंड के डुमरी उत्तरी पंचायत के डुमरी गांव में राम अवधेश राठौर प्राथमिक विद्यालय में भवन न होने के कारण इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो मैं 2018 में बनाया था। यहाँ बच्चों को काफ़ी परेशानी होता था बैठने में। तो 2019 में सरकार द्वारा सूचना मिला कि जितने विद्यालय का भवन नहीं है सब विद्यालय को किसी दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कराया गया जाएगा। तो वहाँ के ग्रामीणों ने इस बात से काफ़ी चिंता जताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग मिलकर जो है किसी हाल में विद्यालय को अलग नहीं आने देंगे। तो वहाँ ग्रामीणों ने बैठक किया और बैठक करके विद्यालय के लिए पैसा चंदा सहयोग वसूल करके दो कमरे का निर्माण किया गया, जिससे अब बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलता है बैठने में। विद्यालय का जो निर्माण हुआ सर, इसमें क्या मैंने किस तरह के काम आप लोग किए? विद्यालय का निर्माण की चर्चा हुआ कि भवनहीन विद्यालय को हम लोग को सुनाई दिया कि भवनहीन विद्यालय भवन वाला में जाके मिल जाएगा। तो हम लोग क्या किए कि सामाजिक स्तर पर बैठक किए और कहे कि साहेब हम लोग को जो है से 95% बच्चा पुनः फिर निरक्षर ही रह जाएगा, समाज का निरक्षरता बढ़ते जाएगा। तो विद्यालय को बनाने के लिए समाज के सहयोग से विचार हुआ। अच्छा, एक बार आपके यहाँ आए थे सर, वीडियो बनाए थे भवन को निर्माण के लिए, भवन नहीं था विद्यालय में उसको लेकर। तो अब बताएंगे कि अभी क्या आप परिवर्तन हुआ आपके विद्यालय में? जैसे सरकार के पास क्राइटेरिया था विद्यालय भवन हेतु 10 डिसमिल जमीन जी, हमारे पास शुरू में 2015 में जो है विद्यालय हेतु जमीन 8 डिसमिल रजिस्ट्री कराई गई थी। उसके बाद पदाधिकारी महोदय के द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी गई जो कि विद्यालय हेतु 10 डिसमिल जमीन की आवश्यकता है, और किया क्या गया जो कि जब जिला में किसी तरह का रिपोर्ट नहीं किया गया जो विद्यालय में जमीन उपलब्ध है, कितना उपलब्ध इसको पता ही नहीं बताएगा। एकाएक क्या किया गया 2019 में विद्यालय को विलय कर दिया गया बगल के विद्यालय में। क्यों? तो इस विद्यालय के पास 10 डिसमिल जमीन नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 14 डिसमिल जमीन हमारे विद्यालय के लिए था। इसीलिए ग्रामीण से यह बैठक करके यह सहयोग की भावना से जो है विद्यालय में कहा गया जितना ही बच्चा है उसके आधारभूत को लेकर के कुछ भवन का निर्माण करा दिया जाए, और इसीलिए जो है सभी ग्रामीण के सहयोग से विद्यालय में बच्चों के बैठने हेतु जो है मैंने स्कूल में बच्चों के बैठने तो पर्याप्त जगह जो है भवन का निर्माण करा दिया गया। अभी बच्चे अच्छे से बैठते हैं, पढ़ते हैं। पूर्व में 2015 में स्वच्छ भारत के तहत जो है विद्यालय में शौचालय चापाकल का निर्माण कराया जा चुका है। जब मैं विद्यालय पर गया तो पता चला कि विद्यालय में सरकारी से मदद नहीं मिली है, यहाँ सामाजिक सहयोग से यहाँ भवन का निर्माण किया गया है। और मैं अंत में यह कहूँगा कि समाज चाहे तो जिस किसी भी तरह के बदलाव ला सकता है। वहाँ के प्रतिनिधि एवं जन सहयोग ने काफ़ी इस शिक्षा के क्षेत्र में मदद किया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।